अब ये एग्जांपल कराने से पहले एक तो इस पे इम्पोर्टेंट लिख लेना, ठीक है, और दूसरा आपको कार्ड्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। तो क्या कार्ड्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है या मैं एक बार बताऊं? बता देता हूँ, चलो एक बार मैं कार्ड्स के लिखवा रहा हूँ, लिख लो चीज। देखो बेटा, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने? 52 कार्ड्स होते हैं, और हमारे पास हर कार्ड की चार वैरायटी होती है बेटा, एक दो तीन चार। पहला होता है हमारे पास क्लब, दूसरा स्पेड, तीसरा हार्ट, चौथा डायमंड। क्लब, क्लब के मेरे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 13 पत्ते, और ये ब्लैक कलर का होता है। स्पेड अगेन 13 कार्ड्स, ब्लैक कलर। हार्ट 13 कार्ड्स, रेड कलर। डायमंड 13 कार्ड्स, रेड कलर, राइट। अब आगे क्या है? सबसे पहला कार्ड होता है एस, फिर हमारा एस हो गया, सेकंड होता है हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग। यही सेम चीज हर किसी में होती है। जैक, हाँ वो इसी पे आ रहा हूं अभी मैं। यह हर किसी में वैरायटी होती है। पॉइंट क्लियर? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा? फेस कार्ड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ही के लिए, मेरे को ये बताओ टोटल रेड कार्ड्स कितने हुए? रेड कार्ड कितने हो गए? 26। ब्लैक 26। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड कितने हो गए? 12। यहां तक क्लियर है? अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 19। सबसे पहली मिस्टेक क्या बेटा? इसमें कितने क्वेश्चन है? 6 या 5 है? 6 है, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहली गलती यहां होती है। ध्यान से देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बच्चा इसी को नहीं करेगा। उसने यहाँ पे पहले पूछे कि भाई चार कार्ड चूज करने, कितने में से? 52 कार्ड्स में से। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 52C4। सबसे पहला पॉइंट ये था, एक क्वेश्चन आए। अक्सर मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर लिया, ऊपर ये करने भूल गए। आगे पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इनमें से किस पे? इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। चारों कार्ड्स क्या हो? सेम सूट, यानी चारों के चारों क्या हो? एक ही वैरायटी के हो। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? चारों कार्ड, देखो इसका मतलब ये हुआ कि चारों, या तो देखो चारों के चारों क्या हो, या तो क्लब हो, या चारों ही, और क्या हो सकता है, चारों ही स्पेड हो, और चारों ही हार्ट हो। क्लियर है? चारों क्लब हो जाए, कितने ऑप्शन? 13। भाई क्लब के चार ही 13 होते हैं ना, 13C4। चारों स्पेड हो, एक बार सुनो, 13C4। जब और आ जाता है ना कि या तो ये या ये, जब चॉइस आ जाती है मेरे पास, तो वहां प्लस लगता है। क्या लगता है? प्लस। 13C4 प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है? 13C4। जब केसेस बनते हैं तो प्लस 13C4 13C4। पॉइंट क्लियर हुआ? डोंट थिंक कि 13C4 13C4 26C8 हो गया, ऐसे के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इंडिविजुअली। यहां तक क्लियर? यस और नो? सेकंड, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। चारों कार्ड्स अलग अलग सूट से हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड और एक हार्ट। यानी एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा। क्या यहाँ पे चॉइस हो रही है क्या? नहीं,
एक डायमंड और एक हार्ट। तो बेटा स्पेड क्लब के कितने ऑप्शन है, 13C1 स्पेड के लिए, 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1। क्या आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको ये कंफ्यूजन हो कि यहां मल्टीप्लाई कब आएगा प्लस कब आएगा, कोई ऐसा? थैंक गॉड मैं वेट कर रहा था कोई तो पूछे डाउट। अब ये है आम जिंदगी, ठीक है। अब सिखाता हूं निंजा टेक्निक। सीखनी निंजा टेक्निक? नहीं सीखनी, मत सीखियो फिर, कान में उंगली डालियो, सीखियो मत भाई। गंजा येरी देख, बाल उड़ गए आपके तीन। अब सीखो निंजा बेटा, कितने पत्ते निकालने थे? चार। जब तक नीचे वाले का टोटल चार ना हो तब तक मल्टीप्लाई में रखना, जैसे हो जाए अगला प्लस कर देना। दिखाता हूँ, नीचे चार हो गया अगला प्लस, फिर चार हो गया फिर प्लस, जब तक चार नहीं हो रहा तब तक मल्टीप्लाई। हाँ अभी दिखाता हूँ ना, सबर कर, वो भी दिखाऊंगा। फेस कार्ड्स, हाँ जी बेटा फेस कार्ड्स हो, फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैक क्वीन किंग। कितने होते टोटल, कितने होते हैं? 12। चलो इसका आंसर आप ही बता दो फिर। C52 आराम से बेटा, देखो निकालने कितने भाई, पहले तो एक बात दिमाग में डाल लो कि ये इससे ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता उससे। 12 थी, 12 हो सकता है। हाँ जी फेस कार्ड्स बताइए, 12 कितने निकालने हैं? चार, तो क्या हो जाएगा 12C4। पॉइंट क्लियर? टू आर रेड एंड टू आर ब्लैक, दो रेड और दो ब्लैक हो, किससे पूछते? उत्कर्ष आपसे पूछते बेटा, दो रेड दो ब्लैक। हाँ जी बताइए, दो रेड होने चाहिए दो ब्लैक होने चाहिए। 26C2 बट क्या मल्टीप्लाई या एड, सवाल आता है एड मल्टीप्लाई। मैंने सिंपल सिखाया हुआ निंजा टेक्निक, जब तक नीचे का टोटल चार ना हो तब तक मल्टीप्लाई में रखना है। आपसे नहीं, आपसे कार्ड आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। वेट, कार्ड सेम कलर का मतलब क्या है? कि या तो चारों के चारों क्या होंगे ब्लैक, या चारों के चारों रेड। बेटा दूसरी की टर्न रहती है, फोर रेड या तो चारों रेड। हाँ जी बच्चा कहता है टू आर रेड टू आर ब्लैक, तो टोटल फोर ही तो है मेरे बच्चा, चेक करो नीचे दो और दो। हाँ बच्चा कहता है नीचे प्लस नहीं लगेगा, बेटा क्यों लगेगा, टोटल कार्ड्स फोर होने चाहिए ना, चार पत्ते निकाल रहे हैं। क्या हुआ, कंफ्यूजन क्लियर हो गया अपने आप ही मेरे बिना बोले। चलो फोर रेड और फोर ब्लैक, अच्छा आपने दोनों डबल केस ले लिया। हाँ जी फोर रेड फोर ब्लैक कौन बताएगा? यस वंशिका का हाथ ऊपर सबसे पहले, फोर रेड जल्दी बोलिए वंशिका। 26C4 प्लस या मल्टीप्लाई? 26C4, मेरे को पूरी उम्मीद है आधे बच्चों ने ये दिमाग लगाया होगा कि नीचे चार हो गए प्लस करना है, जब तक चार नहीं हो रहा तब तक मल्टीप्लाई करना है। ये लगाया ना, मैं भी ये लगाता हूँ, क्लियर? नो डाउन प्लीज। सब में कॉम्बिनेशन के केस में सब में ये चीज एप्लीकेबल है, ये कॉम्बिनेशन के केस में सब में एप्लीकेबल है।